ये नेक्स्ट जेएस का सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन फेज़ है, यानी टेलविंट हम लोग रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो हम लोग है ना बेसिकली टेलविंट का यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हम लोग इस फिगमा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। आप अगर देख सकते हैं तो मेरे पास पूरा सोर्स फाइल है जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा डिज़ाइन करना चाहते हैं, मोबाइल वर्जन एज वेल एज लैपटॉप वर्जन। तो सबके बगल में, उसके बगल में जो पट्टी दिख रहा है, ये वाला मोबाइल वर्जन के लिए और ये वाला उसके वर्जन के लिए। तो दोनों के लिए कैसे बनाते हैं ये देखेंगे हम लोग, करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल देखो, यहाँ पे फ़िलहाल होम पेज बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो होम पेज बनाएंगे, और होम पेज में जो छोटा करेंगे तो फिर क्या होगा, मतलब ये छोटा करेंगे तो फिर यहाँ पे तीन डॉट आएगा, और सिर्फ आइकन दिख रहा है, बाकी सब इस तीन डॉट के अंदर चला गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप टेलविन सी एस एस यूज़ करते हैं तो फिर आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट रन कर चुके हैं, आपको हम दिखा देते हैं। मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आउटपुट दे रहा भी है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने कंपोनेंट को डिज़ाइन करने का। तो देखो मोटे मोटे तौर पे हम लोग टोटल टोटल जो प्रोजेक्ट में पेजेस हैं वो है होम पेज, इसका मोबाइल वर्जन, उसके बाद ये प्रोडक्ट का सिंगल पेज व्यू, और उसके बाद ये फिल्टर पेज, और ये वाला कार्ट पेज, यानी टोटल मिला के चार पेज है, ठीक है। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट में चार पेज बना रहे हैं तो यानी चार फोल्डर बनाना होगा। पहला पेज के लिए तो नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट बाहर होता है। आप इसके अंदर में यहाँ पर फोल्डर बना लीजिए, जैसे कार्ट का पेज के लिए कार्ट, और हर पेज के अंदर में पेज डॉट जे एस होगा। और पेज डॉट जे एस खाली भी नहीं छोड़ना है, उसमें कंपोनेंट बना के छोड़ना है। देखिए तो इनिशियलाइज हो रहा है, होने देते हैं। देखिए ये बन गया कंपोनेंट, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है जो कंपोनेंट में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, रिएक्ट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट जेएस में इंपोर्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही हमको और भी फोल्डर बनाने हैं, जैसे कि फ़िल्टर का पेज बनाना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नाम फिल्टर स्लैश पेज डॉट जे एस। देखो तो आसानी से यहाँ पर फाइल बन जाएगा। मैं फाइल फोल्डर बना के पहले ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखो ये कार्ट का पेज है तो इसमें लिख देते हैं दिस इज़ कार्ट पेज, ठीक है। और ये फिल्टर का पेज है इसलिए मैं लिख देते हैं दिस इज़ फिल्टर पेज, ठीक है। एक पेज और बनेगा, वो होगा मेरा सिंगल पेज का व्यू, मतलब सिंगल प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ लिखूँगा व्यू स्लैश पेज डॉट जे एस। ऐसा लिखने से क्या होगा, फोल्डर भी बनेगा और फाइल भी बनेगा एक साथ, दो दो अलग अलग बनाना पड़ेगा। आर एफ सी, ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट व्यू पेज, ठीक है। लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं इस पूरे सीरीज़ में, हम आपको पहले डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, ठीक है, फिर बाद में लॉजिक। होम पेज कौन हो गया मेरा, ये वाला पार्ट। तो हम इसको मिटा देते हैं अंदर का सारा कंटेंट, और ले देते हैं एच वन टैग के अंदर दिस इज होम पेज, ठीक है। तो पता चला कि सबका URL और सबका पेज का नाम तैयार हो चुका है। तुम पहले होम पेज देखो, ठीक है, दिस इज होम पेज आ रहा है। तुम जब लगाओगे स्लैश कार्ट तो पहुंच जाओगे दिस इज कार्ट पेज में। तुम लगाओगे फिल्टर तो, सॉरी ये हटाओ चेयर में, तो तुम पहुंच जाओगे दिस इज फिल्टर पेज में। वाह, फिल्टर का स्पेलिंग गलत हो गया, ये 404 का एरर दे रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ एरर है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जाके चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, फाइल का नाम में गलती है फिल्टर। आप दोबारा रिफ्रेश करो, देखो ठीक हो जाएगा, हो गया। और अगर सिंगल पेज व्यू के लिए स्लैश व्यू, चार पेजेस हैं, चारों के लिए बना लिया पेज, सबका URL दिख रहा है तुमको। अब डिज़ाइन शुरू करते हैं। डिज़ाइन हम किसे शुरू करने वाले हैं, टेलीविन के डिज़ाइन से। देखो ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं हेडर पट्टी, यानी यहाँ से यहाँ तक। अच्छे से जूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल तुम अच्छे से जूम कर सकते हो, देख सकते हो क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ऊपर एक पट्टी दिख रहा है तुमको काला वाला, इसको टॉप नाम रख लेते हैं इसका। तो ये कहाँ बना रहे हैं हम लोग, होम पेज में, ठीक है। तो ये वाला पेज है मेरा होम पेज, सबसे बाहर किसी फोल्डर में जो नहीं है वो बाहर वाला होम पेज है। तो हमको ना बाहर में एक कंपोनेंट फोल्डर बना लेना चाहिए, कंपोनेंट रखने के लिए कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी कंपोनेंट के अंदर चूंकि नाम टॉप है तो टी कैपिटल जे एस एक्स आर ए एफ सी,
बाकी का आपको पता है। देखो अभी जो टॉप है इसका जो डिज़ाइन होगा वो क्या है, क्लास नेम टेलविन इंस्टॉल्ड आता है तो आपको अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। बी जी डैश ग्रे डैश 900 साढ़े 900, लगभग ब्लैक, पूरा ब्लैक नहीं, ठीक है। फ्लिक्स डैश 1 विथ के लिए, अंदर के लिए फ्लिक्स डिस्प्ले फ्लिक्स लगा दिया फ्लिक्स से, तो ये जो पट्टी है इसमें लिखा हुआ बीच में साइन अप एंड गेट दिख रहा है आपको, ये कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, ये टेक्स्ट है, ये कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ यानी पी टैग डाल के पेस्ट कर देते हैं, हो गया। तो बेसिकली यहाँ साइन अप एंड गेट 20% ऑफ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर साइन अप नाउ, ये वाला पूरा का पूरा पट्टी में यही लिखा हुआ, और एक तो क्रॉस का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी तरह का साइन का इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी तरह का वो यूज़ करने के लिए हम बहुत सारा लाइब्रेरी आइकन यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिएक्ट नेट आइकन, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो पूरा। लेकिन हम बहुत हेवी हो गया अगर तो तुम हीरो आइकन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरा फेवरेट भी है एक तो फ्लो बिट का आइकन, फ्लो बिट डॉट कॉम पर जाओगे, ये फ्रेमवर्क है किसका, टेलविन का, यहाँ पर आइकन्स लिखा हुआ है। इसमें फेवरेट इसलिए है क्योंकि हम मोटा पतला हम यहाँ पे अरेंज खुद ही कर सकते हैं, देख पा रहे हैं आप, साइज बढ़ाना घटाना भी यहीं पे हो सकता है, यानी हमको अलग अलग डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे हमको यहाँ क्रॉस का साइन चाहिए तो क्रॉस लिख देते हैं या क्लोज, देखो यही चाहिए, सर्कल है उसमें नहीं, फिग्मा में देखो नहीं है, मोटा जैसे पतला है तुमको मोटा करना है तो ई लिखोगे, देखो लिख रहा है सेम टाइम में, तो मोटा करो, साइज छोटा करना है छोटा करो, जितना चाहिए उतना पे लाके रखो और उसको कॉपी कर लो, एस वी जी कोड कॉपी हो गया। ये वन ऑफ द फेवरेट है मेरा, इसलिए आपको बता दे रहा। इसके जस्ट बाद पैराग्राफ के बाद आप इस जगह को बना सकते हैं, क्या करना होगा आपको, स्पैन को पेस्ट कर देना होगा, कोड ऐसा ही रहता है स्पैन का, घबराने की बात नहीं। अब आपका टॉप नाम का जो कंपोनेंट है, जो ऊपर का पट्टी है, वो तैयार हो गया है, उसको आप अपने पेस्ट डॉट जे एस का पहला भाग बना लीजिए। क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन डाल देंगे और टॉप कॉल कर लेंगे, हो गया। अब आप देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में होम पेज में आके, ये एडमिन नहीं होम पेज, पट्टी दिख गया, दिखा कलर वलर, अब दिखा तो हो गया काम, बहुत सारा काम हो सकता है। तो हम लोग यहाँ टेक्स्ट डैश वाइट, अब तुमको लिखा हुआ भी दिखा, दिखा तो सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा, दबा दीजिएगा। इसके बाद पेडिंग दोनों साइड से देना हमको, तो चूंकि मोबाइल स्क्रीन साइज़ में नहीं देना है, यहीं पे देना है, तो हम MD लगा दिया, PX और कितना देना है, अगर हमको पूरा जस्टिफाई करना तो देखो जस्टिफाई सेंटर, तो इससे भी बीच में आ ही जाएगा, आ गया। क्लोज बटन का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, कहाँ गया वो, ठीक है। तो स्पैन टैग में डाल दो उसको, अगर तुमको ऐसे लगता है कि नहीं डालना चाहिए तो डाल दो स्पैन टैग में, स्पैन टैग के अंदर डाल के तब उसको रैप करो। अभी नज़र आया क्या, पहले देख लेते हैं, अगर नहीं नज़र आया तो आप स्पैन में आइएगा, ये देखिए डार्क में टेक्स्ट वाइट दिख रहा है लेकिन नॉर्मल में ग्रे कलर दिख रहा है। तो आपको SVG का कोड का यहाँ पे भी कर देना है कि डार्क हो या लाइट, आई डोंट केयर, हमको वाइट चाहिए दोनों में। देखिए अब आपको दिख रहा है, इसमें और इसमें आपस में थोड़ा दूरी पैदा हो जाए इसके लिए ग्रे गैप होता है, मैं गैप 24 दे देता हूँ, पहले देख लो अच्छे से, गैप आना चाहिए। आइटम सेंटर, आपको पता है ये क्या करेगा, वर्टिकल अलाइन कर देगा, और पेडिंग डालिए 5-10 ताकि ये चौड़ा हो जाए, ज़्यादा हो गया कम कर दो, ठीक है। आपको जैसा पसंद है वैसा कीजिए, टेक्स्ट का साइज छोटा करना है पतला करना है आप कर सकते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट डैश, यहाँ देखो फॉन्ट डैश लाइटर या एक्स्ट्रा लाइट पतला करने के लिए, ये फॉन्ट का पट्टी लिखावट पतला करने के लिए। साइज अगर ये अभी भी ज़्यादा लग रहा है तुमको तो तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ विथ हाइट डिस्क्राइब है, जो चाहो लगाओ, जैसे 24 ये दिए 24 तो ये भी दो 24,
एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं सुनो, कभी कभी क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए, विथ और हाइट दोनों जब सेम हो तो साइज नाम का लगा सकते हो, जैसे 20, तो 20 ज़्यादा हो गया, 12, एक साथ विथ और हाइट दोनों को कंट्रोल कर सकते हो, 4, देख रहे हो, यानी तुम साइज लगाओगे विथ और हाइट साथ में बढ़ेगा साथ में घटेगा, तो इससे और मज़ेदार कुछ नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा लाइट आपका काम नहीं कर रहा है। टेक्स्ट डेस्क एक्स्ट्रा फॉन्ट ही होता है यार, वो अंडरलाइन में मत जाओ, वो स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर रहा है, तो एक्स्ट्रा लाइट एक साथ हो गया तो स्पेलिंग गलत हो गया। ये देखो यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज करें, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, आपका मन जब तक ना भरे तब तक बढ़ाते रहिए, उस पर डिबेट नहीं है, ठीक है। तो आपका जो ऊपर का पट्टी है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो आपका क्रॉस साइन है ये आखिरी में आ रहा है, मेरा यहाँ आ रहा है, तो आखिरी में लाने का एक तरीका हो सकता है, वो ये है कि जहाँ पे मैं जस्टिफाई सेंटर लिख रहा था वहाँ पे जस्टिफाई एंड लिख दूँगा, एंड लगाने से क्या होगा, ये आखिरी में आएगा, आया, और ये आपका बीच में चाहिए, कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। फ्लिक्स डैश 1, इसका मतलब क्या, विथ 100%, हाँ। टेक्स डैश सेंटर, एक हाँ बिल्कुल, कौन सा, हाँ सब जो अगर कॉपी पेस्ट कहीं से करते हैं तो उसको चेंज भी करना है आपको, वर्क क्लास लगाने से वर्क कर जाएगा, यहाँ एरर दे रहा है इतना लंबा लंबा, ये एरर इसी बात का रहा है, ये भी कह रहा है, देखो जहाँ स्टॉक विथ है वहाँ पे स्टॉक विथ ऐसे लगाइए, ऐसे एरर देते रहेगा आपको, ये देखिए स्टॉक विथ ऐसे ना लगा के क्या बोल रहा है, ऐसे लगाइए, और भी एरर है, देखो SVG कॉपी करने से पहले आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब रिएक्ट वाला, देखो स्टॉक लाइन ज्वाइन करिए, मतलब यहाँ पे ढेर सारा, यहाँ देखो ऐसे लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब कुछ नहीं है, बस ये है कि आप इसको सटा दीजिए और एल कैपिटल कर दीजिए, बस ये भी ऐसे बोलेगा तो एल कैपिटल कर दो, तो ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, नहीं तो आपको एरर आएगा ही आएगा, और भी देखो और एरर है, क्लास कैप का ठीक कर दिया ही, अब क्लास नेम एक आएगा, डिड यू मीन क्लास की जगह क्या लगाना है, तो बताता है एरर, अगर आपका एरर सॉल्व हो जाएगा तो नहीं बताएगा, फिर ठीक है रिफ्रेश करके देख लो, एरर आ रहा है यहाँ पे, देखो 200 आया, इसका कोई एरर नहीं है, मतलब सब ठीक हो गया, तो ये चीज़ हर जगह पे जब जब आइकन उठाओगे तब तक ध्यान रखना होगा, अगर हीरो आइकन उठा रहे हो और हीरो आइकन उठा रहे हो या रिएक्ट आइकन से, तो वहाँ नहीं करना होगा, क्योंकि वहाँ जो कंपोनेंट तैयार है वो पहले से ही रिएक्ट के फ्रेंडली बनाया गया, और यहाँ फ्लो बिट में जो है ये रिएक्ट फ्रेंडली नहीं है, इसको रिएक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो ठीक है, मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया। अब आते हैं इसके अंदर का डिज़ाइन के ऊपर, वो पट्टी ठीक है, ऊपर से पेजिंग दे देते थोड़ा सा, देखो PX10 घसका उधर से, हो गया, अब देखो जब इसको छोटा करेंगे तो ये हमको गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, देखो जब बहुत छोटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये दो लाइन में आ रहा है, इसकी वजह क्या है, पेजिंग, ठीक है, तो मोबाइल वर्जन के लिए पेजिंग अलग करो, PX2 3, देखो अब जब तुम इसका डिज़ाइन देखोगे यहाँ पे, तो तुमको जब इसका स्क्रीन मोबाइल में दिखेगा तो देखो इसमें से क्रॉस बटन हटा दिया इसने, हटा दिया, तो क्रॉस बटन ना दिखे इसके लिए लिखना होगा यहाँ पे, इस पेन में जाओ, क्लास लिखो, लिखो हिडन छोटा स्क्रीन में, और इसमें लिखो फ्लिक्स MD में, मतलब दिखे MD में दिख रहा है, और जब इसको छोटा करेंगे तो देखो हो गया, तो ये है एक स्टेप फ्रेंडली होने के लिए, यूज़र फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव फ्रेंडली होने के लिए, दूसरा स्टेप है कि फॉन्ट साइज़ भी छोटा कर सकते हो, तो जैसे तुमने यहाँ पर लिखा है फॉन्ट साइज़ के बारे में, कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, चलो देखो टेक्स्ट डैश SM स्मॉल में लिए हो गया, MD में बोला टेक्स्ट डैश, स्पेलिंग सही से टेक्स्ट डैश, और यहाँ पे लिखा नॉर्मल, नॉर्मल ही हुआ ना, नहीं लिखा हुआ तो मतलब नॉर्मल काम कर रहा है, तो नॉर्मल रह गया, लेकिन जब छोटा होगा तो साइज टेक्स्ट का छोटा हो जाएगा, और छोटा करना तो एक्सेस भी होता है, देखो हुआ छोटा, तो मोबाइल के लिए छोटा, और स्क्रीन बड़ा होगा तो बड़ा, जा
काम करने के, नॉर्मल की जगह पे एलजी लिख देते हैं। देखो लार्ज, ये देखो, मतलब मैं तुमको बताने के लिए कोशिश करने के लिए अलग अलग डिफरेंट साइज दे रहा हूँ ताकि तुम क्लियर हो जाओ कि हाँ मीडियम, थोड़ा छोटा, कोई बात नहीं, वो लिखाया कंपाइल का इशू भी होता है। ठीक है, एक्चुअल में टेक्स्ट डैश मीडियम नहीं होता है, टेक्स्ट डैश ये हटा देते हैं इसका, इसको हटा देते हैं, लाइट वेट को, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो हाउ फ्रेंडली इट इज़, तो तुम अपने कंसेप्ट को ये पूरी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। एलजी रखने देते हैं, थोड़ा बड़ा ही साइज, मोबाइल से बड़ा है तो दिखने में अच्छा भी लगे, कोई इशू नहीं है। देखो खैर, तो इसके बाद का क्या काम है, इसके बाद का समय नहीं बर्बाद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो एनालाइज करो, ये वाइट रंग का पट्टी है, इधर से मार्जिन है, पता करना है कितना मार्जिन है, कर सकते हो, यहाँ पे लिखा रहता है, मतलब इस जगह पे मेंशन रहता है कितना मार्जिन है, कौन सा बटन है, कौन सा फील है, कौन सा स्ट्रोक है, कितना डिस्टेंस है, सब कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ हेडर कॉम्पोनेंट, एक ही जगह अटकेंगे तो नहीं बना पाएंगे। RAFC हो गया, रिएक्ट का मैंने बताया भी आपको कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखो क्लास लगाया, क्लास नेम, और यहाँ लिखा BG डैश वाइट PX 10%, यानी दोनों साइड से 10%। ये बात सिर्फ और सिर्फ MD में लागू होगा, यानी MD, LG, XL, 2XL ये सब में, MD से नीचे में नहीं। MD से नीचे में कोई पेडिंग है ही नहीं, डिस्क्राइब ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये लिखना है, ये सब बनाना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, shop.co, तो मेरा नाम है इसमें, प्रोजेक्ट का नाम हम रखा है ई कॉमर्स, तो हम ई डैश कॉम लिख देते हैं, नाम थोड़ा सा चेंज, क्लास नेम फॉन्ट डैश ब्लैक, फॉन्ट डैश सेस, टेक्स्ट डैश 3XL कैपिटल में अपर केस। ठीक है, इसके बाद इस हेडर को पहले लेके आ जाओ अपनी जगह पे, तब कुछ दिखे कम से कम हेडर। ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ आएगा ई कॉम। ठीक है, ऊपर से पेडिंग, नीचे से पेडिंग है कि नहीं, अब इसको बनाते कैसे, PY 10, ज़रूरत पड़ा तो कम या ज़्यादा, ज़्यादा हो गया PY 5, पता कैसे चलेगा ज़्यादा हुआ कम हुआ, बताते हैं तरीका। आपको करना क्या है कि इसके जस्ट नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो भी बना लीजिए, उसमें ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, उसका नाम बैनर रख लेते हैं, RAFC। देखिए, और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हो जाएगा BG-Slaty-200, फ्लिक्स फ्लिक्स डैश 1, हाइट कम से कम 96 तो होना ही चाहिए, बाद में डिज़ाइन करेंगे, कॉल कर लेते खाली, एरिया पता लगाने का तरीका है। बैनर हुआ, देख रहे हैं आप, मैं टेलविन में क्या होता है, CSS में क्या होता है, HTML में क्या होता है, एक एक करके लिखते जाते हैं, यहाँ यहाँ लिखते हैं, यहाँ बुलाते हैं, ये हो रहा है। देखो ये वो जगह होगा जो टेक्स्ट लिखेंगे और वो लिखेंगे, इमेज डालेंगे, ये पट्टी देखने के लिए हम बनाया था ताकि पट्टी का एरिया दिख जाए, पट्टी एरिया दिख रहा है ठीक ठाक। बाकी का काम क्या है, शॉप, उसके जस्ट बगल में छोटा सा आइकन, ऑन सेल, न्यू अराइव, ब्रांड, उसका सर्च का पट्टी और दो आइकन, ये ना, हेडर में आ जाओ। H1 के बाद क्या करना है, तो मोटे मोटे तौर पे H1 के बाद यहाँ से यहाँ तक लिंक है, तो इसको फ्लिक्स फ्लिक्स डैश 1, आइटम सेंटर, यहाँ भी आइटम सेंटर, इसके पैरेंट को भी सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, और मैं इसके अंदर में लिंक बनाऊँगा, ए टैग्स बनाते हैं बाद में लिंक टैग्स बना देंगे। ठीक है, या तुम अगर नेक्स्ट जेस के साथ शुरू में ही चलना चाहते हो तो इसको इम्पोर्ट कर लो, ऊपर में देखो इंपोर्ट किस जगह से हुआ है, नेक्स्ट क्लास लिंक से हुआ है। ए हर्फ ए टैग की तरह ही काम करता है, कुछ अलग नहीं है, क्लास वगैरह लगा के सीसेस कर सकते हो, तो जो भी सीसेस होगा वो करेंगे, पहले लिंक बना लेते हैं, नाम क्या है, शॉप, इसके जस्ट बगल में एक आइकन है वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑन सेल, न्यू अराइव, अराइवल, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ब्रांड्स,
हो गया। यहाँ देखो आ गया, बट बगल में नहीं आ रहा है। बगल में जाने के लिए एक ही तरीका है, इसका जो पेरेंट है उसमें फ्लिक छूट गया है, यही वजह था। बगल में आ गया, देखो आया। गैप कंसीडर कर लेते हैं 5, बाद में कम ओ बेस हो गया। अब इसके जो चाइल्ड है यहाँ पे गैप डालते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 2, बस समझने भर का, और थोड़ा सा करना है तो कर लो, ठीक है। अब क्या करना है देखो, यहाँ पर जो टेक्स्ट सब देख रहा है, देख रहे हो तुम, इसको SM कर देते हैं, यानी सब साथ में छोटा होगा, एक साथ होगा छोटा। MD करना है MD करो, नॉर्मल करना है नॉर्मल करो, तुम्हारे हाथ में, ठीक है, परफेक्ट। आइटम सेंटर तो हम लगाए थे, यहाँ काम नहीं किया क्या? किया पता नहीं चल रहा है, खैर छोड़ो। आइटम सेंटर यहाँ लगाएं, ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके आगे का काम, इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है, मेरे में गैप थोड़ा कम है, तो ये जो गैप 5 है इसको भी बढ़ाओ, 8 करो, और ये जो है ना 2 3 4 कर सकते हो। फ्लेक्स में हो गया 4, इसको 5 6 कर दो, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करना है, सर्च की पट्टी बनानी है, यहाँ से यहाँ तक बनाएं। देखो एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट बना सकते हैं, इसको चाइल्ड कंपोनेंट बोलते हैं या सब कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे हेडर में ही हमको एक छोटा सा यहाँ सर्च चाहिए, तो तुम चाहो तो अलग फंक्शन उसका बना सकते हो। कंसेप्ट देखो नया बता रहे हैं, सर्च बार लिख दिया, इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है, यहीं इस्तेमाल होगा। रिटर्न डिव क्लास नेम bg-lady-100 rounded-full w-flix-1 लिख देते हैं, flix-1, ठीक है। और इसमें आइकन डालना है, वो सब डालना है, ठीक है। अभी देखो ये जो पट्टी भी हम बना रहे हैं, इसके अंदर इनपुट टाइप बनेगा, इनपुट टाइप सर्च, उसका उससे पहले यहाँ पे आइकन बनेगा, सर्च वाला आइकन देखो है यहाँ पे, ये सर्च आइकन, यहाँ से सर्च करो, बस सर्च आइकन को सर्च कर लो, कॉपी करो, क्या चेंज करना है तुमको पता है ना, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर सीधा सीधा पेस्ट कर दो, उससे पहले सर्च सर्च का पट्टी से पहले है, पेस्ट कर दिए तो इसमें देखो सीधा लिख सकते हो साइज़ जो तुमको चाहिए। और तुमको क्या चेंज करना है, ये देखो W कैपिटल हो जाएगा डैश हट जाएगा, L कैपिटल हो जाएगा डैश हट जाएगा, और क्लास की जगह क्लास नेम हो जाएगा, इतना तो आपको करना ही है। अब जो सर्च पट्टी हम लोग बनाए, ये जो फंक्शन बनाए सर्च बार, ये तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये पता है कि कॉम्पोनेंट है मेरा, तो हम इसके इसके बाद पट लिंक आने के बाद सर्च बार को बुला लेंगे, और कहीं और से नहीं, इसी पेज में, तो कहीं इम्पोर्ट उम्पोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट भी होगा नहीं, इम्पोर्ट भी नहीं होगा, एक ही पेज में ना, इसीलिए आ गया। ये टाइप करने वाली जगह है, अब देखो जो टाइप करने वाली जगह है ना, वो बैकग्राउंड में वाइट आ रहा है, बाकी सब ग्रे जो हम दिए थे वो आया, तो उसको अगर ट्रांसपेरेंट कर दे तो पीछे का ग्रे आ जाएगा। तो हम इधर इनपुट टाइप में यहाँ पर जाएंगे, क्लास नेम bg-transparent भी होता है, डालने से क्या होगा, ये हट गया है। टाइप करने वाली जगह क्लिक करने पर तुम देखोगे इसमें एक अंडरलाइन आ रहा है, ऐसे वो नहीं आना चाहिए, उसको हटाने के लिए लिखोगे फोकस, क्लिक करने पर मतलब फोकस, और उसमें लिखेंगे border-none, फोकस आउटलाइन भी रहता है इसमें थोड़ा सा, outline-none, क्लिक करने पे मेरे नहीं आना चाहिए, देखो नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसमें पेडिंग की ज़रूरत है, तो इसका जो पेरेंट है ये है पेडिंग px3py2, बड़ा हुआ। अब जो काला रंग दिख रहा है इतना काला नहीं, थोड़ा ग्रे है, तो जो फिल है लिखा हुआ यहाँ पे देखो, फिल नल लिखा हुआ है, क्लास में यहाँ पे देखो टेक्स्ट डैश ग्रे लिखा हुआ है, ग्रे को थोड़ा सा 500 कर दो, यानी लाइट हो गया, तो थोड़ा सा डिम हो जाएगा, हुआ, आँख में चुभेगा नहीं। देखो टाइप करने की जगह, अब इसमें थोड़ा गैप डाल दो, टाइप करने की जगह सट क्या तुम्हारा, gap 3, कर्सर अलग, अब टाइप करने में मज़ा आएगा, इसमें देखने में मज़ा आएगा, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ऐसा लिखा हुआ है,
कहाँ लिखा हुआ है प्लेस होल्डर में, तो उस इनपुट टाइप का प्लेस होल्डर डालो, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, तीन बार डॉट, एक बार चेक करो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। इसके बाद इस पट्टी में कोई काम नहीं है, फिल जो मेरा प्लेस होल्डर है वो ग्रे है, मेरा थोड़ा ब्लैक ही दिख रहा है ज़्यादा। अगर तुमको कलर चेंज करना है, मन थोड़ा बन गया कि कलर भी चेंज करना है, लिखना होगा प्लेस होल्डर कॉलन टेक्स डैश स्लेटी 500। टेलीविन को तुम लोग क्या समझ लिए हो, तुमको जो देना है, देखो डार्क हो गया 200, देख रहे हो कहाँ चेंज हो रहा है, प्लेस होल्डर में 300। आगे देखो प्रोजेक्ट बनेगा तब तो चलेगा। इसके बाद आगे देखो, यहीं पे ख़त्म हो गया ना, ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका कुछ करना नहीं है। इस क्लास में खाली लिखना डब्ल्यू डैश फुल, अपने पैरेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसका कुछ करना नहीं है। अगर फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो तो लिखोगे टेक्स्ट डैश LG, उसका अपना टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, बन गया बड़ा, लेकिन इसको करना ज़रूरी नहीं है, हम जैसे दिखाने के लिए बताए थे। आगे बढ़ो, आगे का काम करो, क्या है दो आइकन, एक कार्ट का है और एक यूज़र का है, दोनों आइकन को यहाँ से ढूंढते हैं, पहले कार्ट ढूंढ लेते हैं, मैच करो तो कौन सा है, आउटलाइन वाला, ये वाला, कॉपी किया, ध्यान से एकदम आराम आराम से, ये सर्च का बार का एकदम आराम से मैनेजमेंट हो गया, अलग से एकदम हो गया, इसको फॉर्मेटाइज भी कर सकते हो तो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। और देखो सर्च बार यहाँ पे आ गया, इसके बाद तुम अपना खुद का फिर से फ्लिक्स बनाओ, फ्लिक्स डैश 1 आइकन के लिए, और ये पहला आइकन क्या चेंज करना है इसमें, बस ये कुछ माइनर से चेंजेस है, क्लास लेगा क्लास नेम, और W की जगह पे साइज, दो चीज़ से जो काम हो एक चीज़ से हो जाएगा। आइकन पहला आ गया आपके पास, फॉर्मेट कर दो, अच्छे से अरेंज हो जाएगा, अच्छे से अरेंज हो गया। दूसरा जो आइकन है वो यूज़र के लिए आइकन है, यूज़र ये वाला सर्कल वाला यूज़र है, कॉपी किया, तुम लोग तो बहुत दिन प्रोजेक्ट को बहुत नज़दीक से देखा, इसलिए तुमको पता है, ये देखो। अब ये जो L है इसको भी करना पड़ेगा, तो अगर शुरू से ही करते आओगे तो आगे जाके तुमको एक बड़ा टेंशन नहीं बनेगा, वो साइज 6 अब बदलना हो तो बदलेंगे साइज, वो अलग बात है, पहले देख लो। अब ये जो पट्टी है ये छोटा हो गया, ये पट्टी तो इसके बराबर होने की वजह से ऐसा हुआ, ये जो फ्लिक्स 1 लिखा है ये बराबर बराबर कर दिया सर्च बार को इसको, तो इसको फ्लिक्स में बड़ी ब्रैकेट लगा के 0.5 कर सकते हैं, और कर सकते हैं अभी और बाकी है, 0.2 सर्च आइकन है दिखाना है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है उसको और बढ़ा देंगे अपने हिसाब से, मतलब तुम कैसे बताओगे कि तुम इसको कितना लो इसको कितना लो, जब तक कंप्यूटर को तुम बताओगे नहीं पता ही नहीं चलेगा, वो तो अपने बराबर बराबर ले लेगा, बराबर बराबर एरिया लेगा तो 1-1 में तो ले ही लेता अपने आप। ये गैप क्रिएट करते हैं इसमें आपस में 3-4, देखो तो तुम्हारी जो सर्च पट्टी एकदम गड़बड़ा गई मोबाइल वर्जन में। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सर्च पट्टी में क्या क्या छुपाना है, तो जो जो छुपाना है हिडन लिखो, MD में उसका फ्लिक्स लगा दो, यानी हिडन लिख दिया और फ्लिक्स यहाँ लगा दिया, तो मोबाइल साइज़ में छुप जाएगा, नहीं दिखेगा सर्च, देखो मोबाइल साइज़ में सर्च गायब हो गया, और लिंक भी गायब कर देना हो गया, देखो हिडन और इसके आगे MD लगा दो, यानी मोबाइल साइज में हो गया, सर्च का आइकन दिखेगा, तो सर्च का आइकन एक आइकन होगा यहाँ पे, एक्चुअल में है मेरे पास सर्च के पास, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और इस अपनी पट्टी में यहाँ लगा के दे दिया, बट इसके क्लास में बात लिख दिया कि देखो ये मोबाइल वर्जन में विजिबल होगा और MD से हिडन हो जाएगा, उल्टा लिख कर दो, MD में हिडन मतलब MD से ऊपर कोई भी हिडन है, ये देखो अभी दिख रहा सर्च, अब बड़े स्क्रीन में नहीं दिखेगा, ठीक है,
अब इसके बाद छोटा स्क्रीन करो, अब इसमें पैडिंग देखो, इधर चिपक गया इधर चिपक गया, वजह इसके जो पैडिंग दिया था वो सिर्फ एम डी में दिया था, तो PX5 दे दो मोबाइल वर्जन के लिए। खत्म हो गया बात, बड़ा करो छोटा करो, पी वाई ज़्यादा है, पी वाई में हम लोग दिया 5, कंप्रोमाइज़ करके कर देते हैं 4, इससे ज़्यादा छोटा हम ना करेंगे, ठीक है। मोबाइल वर्जन में ज़्यादा लग रहा है तो ठीक है, मोबाइल वर्जन के लिए अलग से पी वाई करेंगे। ये देखो दो दो परफेक्ट, तो हमारा जो लुक है ना वो एकदम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी तुम्हारा प्रोजेक्ट बिकेगा, नहीं तो तुमको कौन रखेगा। अब इसमें गैप जो है इसको थोड़ा सा और लैगी करते हैं, ये है मेरा वो सेक्शन जिसकी बारे में बात करते हैं हम, तो इसमें गैप 6 लिखा हुआ है, इसको चूँकि मोबाइल में छुपी जाता है तो उसका कोई डिज़ाइन मोबाइल के लिए टेंशन लेने वाली बातें नहीं। और गैप चाहिए यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, हम तो समझते हैं कि सर्च का पट्टी को और बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करने के लिए तुमको ये 1 लिखा हुआ है, ये भी 1 लिखा हुआ है सर्च वाला पट्टी, तो इसको हम 0.8 कर देते हैं, तो ये छोटा होगा और ये वाला साइज बड़ा होगा, पहुँचा दिया वहाँ तक जहाँ तक चाहिए था, हो गया। वापस देखो परफेक्ट, आगे का पार्ट ये वाला पट्टी, इसमें जो इमेज है उसको रहने दो, पहले टेक्स्ट का काम करते हैं। तो देखो टेक्स्ट इमेज को एनालाइज करने के लिए समझो कि इतना डब्बा का एरिया जो है टेक्स्ट का काम करेगा और ये डब्बा का एरिया अलग इमेज काम करेगा, है कि नहीं, बोलिए ना। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले जो पब्लिक नाम का फोल्डर होता है आपको, अगर आपको पब्लिक नाम का फोल्डर नहीं दिख रहा है तो आप बना सकते हैं और उसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। इमेज को लाने की कोशिश कर रहा था मैं, इमेज तो है बस मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एसेट्स यहाँ मिलेगा, नहीं ये इसमें लाइब्रेरी में है नहीं, होता तो क्या, छोड़ो हम पहले इसमें काम करते हैं डिज़ाइन करते हैं। तो इसका साइज़ जो है ना वो ये है कि स्क्रीन जब दिख रहा होगा तो इतना दिख रहा होगा, कम से कम काला का इतना तो पट्टी हल्का सा दिखना चाहिए कि, और नीचे भी है ना तो फुल नहीं देंगे। अभी जो मेरा एरिया आ रहा है वो इतना ही आ रहा है, ये यहाँ तक आ जाए और बाकी जो एरिया ब्लैक कलर का पट्टी आ जाए, तो हम इसको हाइट को बढ़ाएंगे। ये मेरा हेडर का काम ख़त्म हो गया, हेडर बंद कर दो, टॉप बना चुके हो तुम, बंद करो, सीखो तरीका, नहीं तो किचन गंदा हो जाता है, ठीक है ना। आप VS कोड को अपना प्लेग्राउंड मानिए, आप कोड को खिलौना मानिए और आप अपने आप को खिलाड़ी, तो बेसिकली आपको यहाँ पर पंचलाइन सही था ना, नहीं था बैनर यहाँ पे जो यहाँ जो लिखा 96 इसको आप करो 80 VH, 80 VH मतलब 80% व्यू हाइट, क्या आता है देखो, समझे ना, हाथ पकड़ो ना पैर पकड़ो, सीधा गला, समझे। उसके बाद जो नीचे का पट्टी है उसका वो इसमें ब्रांड का फ़ोटो है, गुची फ्लोरा ये वो, उस ब्रांड के फ़ोटो के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रांड बार, ये गुची का नाम सुन के हंस रहा था मैं, हम लोग सब मिलके भी पैसा जमा करें नहीं खरीद पाएंगे उसका, एक बिल बहुत महंगा आता है, ऐसे एक्चुअली ख़रीदना नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है। गुची फ्लोरा परफ्यूम है, एक बार स्प्रे मारोगे तो 5,000 का स्प्रे कम से कम। स्लेटी
900 ऊपर में हेडर में ये दिया था तो वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। फ्लिक्स फ्लिक डैश वन और फ्लिक डैश वन पी वाई फाइव कम से कम, ताकि वो पट्टी हमको नज़र आ जाए कम से कम, अच्छा लगे देखने में। तो बैनर बार नाम उसका यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ब्रांड बार। तो पट्टी का इंतज़ार है हमको ग्रे वाला को, इंपोर्ट नहीं हो पाया, ऐसा होता है। अब अपने से रिफ्रेश करने की जगह एक सेकंड ब्रेक क्यों किया ना, अपने आप लोड लोड हो जाएगा, आप मत कीजिए। देखिए ठीक रहे दिख रहा है, तो आराम से इसको कर सकते हैं। अब इसमें जो आपको कलर है वो इसके कलर से, मेरा वाला कलर ज़्यादा डार्क है, तो थोड़ा सा इसको देखो जो कंपोनेंट है ना उसके उस तक पहुँचना है ना, कंट्रोल बटन दबाओ उसके ऊपर क्लिक कर दो, समझे, कंट्रोल बटन दबा के क्लिक कर दो, पहुँच जाओगे जगह पे। स्लेटी 100 ठीक है। इसके बाद हमको ये एनालाइज़ करना है कि कितना पेडिंग है, देखो उतना ही पेडिंग है जितना हेडर में था, है ना, दिख रहा दोनों साइड से, बस पहुंच जाइए जगह पे। क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर बैनर में उतना ही पेडिंग देना है, यहाँ तक पी एक्स 10% किस स्क्रीन के लिए देना है बोलिए ना, एमडी के लिए। बैनर हटा दीजिए जो लिखा हुआ है उसके नीचे आइए, दो बराबर भाग में दो डब्बा बनाइए, हो गया, एक इमेज एक टेक्स्ट। टेक्स्ट वाले पे काम करते हैं पहले, क्या लिखा हुआ, फाइन क्लोथ डैट, है ना, H1 टैग पेस्ट, ठीक है क्लियर है। H1 टैग, इसका डिज़ाइन विज़ाइन, टेक्स्ट डैग 6XL पहले एकदम बाहर पे चलाते हैं, फॉन्ट डैश ब्लैक, ठीक है पहले देख लेते कहाँ होता है। फाइंड क्लॉथ दैट मैच योर स्टाइल, ठीक है, लगभग लगभग ज़रूरत क्या चीज़ का है, पैडिंग का। देखिए पैडिंग बढ़ाने से कहीं ऐसा ना कि हाइट बढ़ जाए, नहीं बढ़ा, चलो बढ़िया। तो ऊपर नीचे का अलग, दाएं बाएं का, ऊपर नीचे का अलग, दाएं बाएं का अलग। तो पी एक्स तो तुम दे चुके हैं, तो पी वाई से सिर्फ बात करो, पी एक्स तो तुम्हारा दिया हुआ है, तुमको प्रॉपर जगह पे कहाँ इतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता लगाना है, कर्सर पे क्लिक करोगे ना इस पर, ये हटाओ पहले, देखो तो ये डिस्टेंस भी बताता है, ऐसे ऐसा नहीं कि नहीं बताता, देखो बता रहा है 273 ऊपर से, तो हमको ऐसे मेजरमेंट नहीं करना है, नहीं तो हम लोग को तो यहाँ से मेजर करना है, वो तो वहाँ से बता रहा है, तो हम लोग को आसपास समझ के काम करना है, जस्ट लाइक दैट कि 16 कर देते हैं, भाई होता है 16 जी, 20 ठीक है चल जाएगा। चलिए ये आपका दूसरा टेक्स्ट है, पैराग्राफ पी का टैग हो गया, और बटन का बटन वाला डिज़ाइन, ये देखो बगल बगल में आ गया, घबराना एकदम नहीं है, पहला काम है घबराना बंद करो, फ्लिक्स डैश कॉम, फॉन्ट साइज छोटा करो, और छोटा है ना, देखो कितना छोटा है, पहले चीज़ तो छोटा से ज़्यादा पतला है और गैप ज़्यादा है यहाँ पे, तो जो गैप 3 दिए हैं गैप को 8 देते हैं, ठीक है। कहाँ डिज़ाइन तक लिखा हुआ उसके बाद नीचे है, मेरा कहाँ यहाँ इतना, यानी फॉन्ट साइज बड़ा होगा और पतला होगा, MDLG लिखेंगे, फॉन्ट डैश लाइट, डिज़ाइन नीचे आ गया थोड़ा छोटा करो, क्या समझे मेरे बात, पकड़ने का तरीका क्या लिखे, ठीक है।
कंप्लीट। और इसका टेक्स्ट कलर का अगर तुमको और स्लेटी करना है तो स्लेटी 400 तो दे ही सकते हैं, 600 हो गया, चलेगा। शॉप नाउ इज अ बटन आफ्टर पैराग्राफ, आई नीड अ बटन। अगेन हम लिंक से बना सकते हैं SREF, ठीक है। और यहाँ पे शॉप नाउ डिज़ाइन क्या है, क्लास नेम BG-Gray, नहीं ब्लैक तो हम छुआ भी नहीं अभी तक, PX10PY3 अपर केस कैपिटल में, टेक्स डैश XL वाइट, टेक्स वाइट। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा पर लंबा क्यों हो गया, राउंडेड डैश फुल, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जब फ्लिक्स कॉल लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो होता है वो स्ट्रेच कर जाता है। तो तुम इसके आई इसके पेरेंट के पास जाओगे यानी यहाँ, और लिखोगे यहाँ पर आइटम स्टार्ट, जब वो ऐसे ऐसे हो जाता है तो आइटम नहीं बोलेगा क्या देता, हो गया छोड़ो तब। शॉप नाउ छोटा है, पेडिंग एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो मेरा टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, LG 10 की जगह पे 16 और 3 की जगह पे 5, और ज़्यादा पेडिंग ज़्यादा ही हो गया, 12-14 तो ठीक था, 4 MD साइज बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है हो गया। इसके बाद नीचे आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बनने वाला है। इस बीच में आप लाइन देख रहे हैं, तो वो आप लोग ही बना दिए थे उसको कलर वाला करने कुछ करने का, सब एक दूसरे को चिपक चिपक के आ रहा था। इसके लिए टेलविन का डिवाइड अवेलेबल है, मज़ा आएगा देख के, चलिए बनाते हैं। एरिया समझ में आ गया, फुल एरिया है, कर्सर रख के समझ में आ रहा है फुल एरिया है, बनाते हैं ये लिंक के बाद। फ्लिक्स फ्लिक डैश 1 फुल एरिया समझाना है, चलो समझा देते, अब समझ में आ गया फुल एरिया का मतलब क्या है, कहाँ बनाने वाले हैं। समझ में आ गया, यही बनने वाला है। डिज़ाइन पार्ट देख लीजिए, बातें नहीं बोलिए ना, देखें 200 प्लस इंटरनेशनल ब्रांड, 2000 प्लस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, 3000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स। तीन बॉक्सेस बनाने हैं, मतलब 340 के अंदर बनाना। ये बीजी रेट हटा दें, दिखाने के लिए था खाली। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल, कहे कॉल लिखा एक दूसरे के नीचे H1। देखो अगर पूरे प्रोजेक्ट में कहीं H1 लगा दिए तो दोबारा मत लगाओ, एक ही बार लगेगा। 200 प्लस पैराग्राफ क्या है, इंटरनेशनल ब्रांड्स। एक तो पहले डिज़ाइन अच्छे से कर लेते हैं, बाकी कॉपी पेस्ट होगा। क्लास ओहो कोई बात नहीं, जिंदगी थोड़ी है जो कंट्रोल जेड ने होगा। टेक्स डैश 3XL साइज इंक्रीज कर रहे हैं, इस तक पहुंचाते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड सही लग रहा है साइज़ में, उसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, ज़्यादा हो गया 5X। जे जो हुकुम महाराज, ठीक है उसमें माथा मत लगाओ, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाओ। अब देखो ये चीज़ को 3 बार कॉपी पेस्ट, अमाउंट बदल दो, नाम बदल दो, ठीक है काम बदल दो, दुनिया बदल दो। यहाँ पे देखो ये फ्लिक्स कॉल है, ये फ्लिक्स कॉल है और ये फ्लिक्स कॉल है ना। फ्लिक्स डैश 1 छूट गया था बराबर बराबर बांटने के लिए, दूरी आता, हाथ पैर नहीं पकड़ना है। यहाँ देखो डिवाइड डिवाइड एक्स, कितना मोटा चाहिए वो बताइए, 2 दिखा आपको डिवाइड, दिखा नहीं दिखा कोई बात नहीं,
अब दिखेगा आइटम सेंटर, अब दिखा नहीं दिखा? ठीक, आइटम सेंटर है लेकिन टेक्स्ट लेफ्ट ही होगा, ये भी दुविधा है। वो सेंटर तो लग भी नहीं रहा है खाली 200 वाला पे, अगर हम टेक्स्ट डैश लेफ्ट लिख दें तो काम हो जाएगा। छोड़ दो ना, एक होता है अलाइन आइटम सेंटर होता है ना, एक होता है कंटेंट सेंटर। देखो इस ये वाला तुमको नया मिलेगा, कंटेंट तो वही है, कंटेंट वैसे ही है बस सेंटर में आ गया, तो जो टेक्स्ट लेफ्ट लिखा था ना उसकी ज़रूरत नहीं है। खैर चलो काम हो गया आपका, मोटा कर सकते हैं इसको, इसका कलर चेंज करना है, देखें थोड़ा डार्क है मेरा तो, थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है क्या? डिवाइड एक्स खाली लिखोगे तो एक पिक्सल हो जाएगा, दो नहीं तो हल्का पतला हो जाएगा। देखो हो गया पतला, कलर चेंज कर सकते हो, डिवाइड डैश स्लेटी डैश, फीचर तो पूरा अवेलेबल है, आप बनाइए तो खाली, ज़्यादा हो गया दिखाने के लिए कर रहे थे, कभी कभी स्टंट करना पड़ता है, क्या करें। ठीक है चलिए, इसके बाद आते हैं ये वाला इमेज एरिया पे, ये तो इमेज बवासीर की तरह काम कर रहा है, निकल ही नहीं रहा वहाँ से। नहीं हम जाए होएंगे नहीं, कहाँ पे के नीचे ये वो बटन, ये तो वही है, हम एक्चुअल में इसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो कुछ नहीं रहा। कोई बात नहीं, एक तो क्वेश्चन पूछते हैं गूगल से, हाउ टू डाउनलोड इमेज फ्रॉम फिग्मा डिज़ाइन। जब आप इमेज पर क्लिक करें तो उस पर एक्सपोर्ट ऑप्शन आएगा, आ रहा है कहीं पे? यहाँ मिल गया, एक्सपोर्ट रेक्टेंगल पीएनजी में मिल गया हमको डिज़ाइन। हाँ तो कोई बात नहीं है, एक मिनट में हो गए काम, अब ये कॉपी कर, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल जेड, कॉपी करेंगे यहाँ पे, देखो इसका नाम पहले बदल देते हैं, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बैनर ये पहले से नाम है, चलो यहाँ से उठाओ वहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ आएंगे पब्लिक फोल्डर जो बताया था आपको, पेस्ट, यहाँ आ गया, नाम बदलो, एक मिनट में वक्त जज्बात सब बदल देना है, सही से नाम रखो ठीक है, स्पेस है इसमें, ये सब हाँ। बैनर में चले गए, देखो बैनर का जो मेन पट्टी जिसमें बी जी ग्रे लिखे हैं वहाँ लिखे बी जी स्पेस बड़ी ब्रैकेट यू आर एल स्लैश बैनर डॉट सॉरी बी स्मॉल बैनर डॉट पी एन जी। देखो सिंगल कोट में है ना, इसको डबल कोट में कर दो पूरा क्लास को, डबल के अंदर सिंगल हो सकता है, सिंगल के अंदर सिंगल नहीं हो सकता, आगे जो स्लैश लगा वो भी छोड़ सकते हो, तुम्हारा ऐसे भी यू आर एल बन जाएगा। इंपोर्ट कब से हो गया ये? कोई लाइन में इंपोर्ट हो गया क्या? कैन नॉट रिजॉल्व बैनर डॉट पी एन जी, ये ग्लोबल डॉट सी एस एस में कब से आ गया? ओ स्लैश लगाना पड़ेगा, है डॉट स्लैश में लगाना,
ऊपर कहीं पे लगा दिया है लगता है कहीं पे। हम कौन सा पेज पे थे? बैनर डॉट पीएनजी समझ में आ रहा है। ठीक है, ये लाइन नंबर ग्लोबल डॉट सी में तो हम पहुंचे भी नहीं थे, इसमें क्या बीमारी फैल गया? ये टेलविन रहने देना, ऐसा नहीं, टेलविन भी उसको कल बोले थे हम बोले कि कहीं साफ ना कर दे। लो कितना बढ़िया काम हो रहा है। ये क्या हुआ? ये तो मेरा यूआरएल सही है, इसमें हमको तो कोई डाउट ही नहीं है। एक बार काम करते हैं, एक ही डाउट है, बंद करके खोलो, आप चेक करो कहाँ गाड़ी अटक गई। ये फिग्मा वाला जो लिंक है ना, मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें नीचे में डाल दूँगा। चलो हो गया है यहाँ तक, ठीक है, बना लेना, इमेज डाल देंगे हम उसमें प्रोजेक्ट में, और आप वहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।